नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर ज्ञान केंद्र में। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज जो है झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न और पंजाब के लिए जीडीएस की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11/12/2020। जी हाँ, आज लास्ट डेट है जीडीएस का फॉर्म भरने का। यदि आप झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न और पंजाब सर्कल से फॉर्म भरने वाले हैं तो आज के आज इस फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। यदि आज आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे तो ये लिंक आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी और आप इसे फिर भर नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर आपकी जो लिस्ट बनेगी वो बनेगी 10th के परसेंटेज के आधार पर। जो भी आपके 10th में मार्क्स होंगे उसके परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कोई एग्जाम नहीं होगा। मेरिट लिस्ट जो होगी, यदि आपके 85 प्लस परसेंटेज हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है सर 60 है, 55 है, 70 है, क्या मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कट ऑफ बहुत हाई जाता है। फिर भी यदि आपके 85 प्लस परसेंटेज हैं, 85 के अबव हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। यदि आपके 90 के अबव है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस जो है वो 100% है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहला काम आपको करना ये है कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, सिलेक्शन लिस्ट में। और वो नाम कब आएगा, जब आपके परसेंटेज हाई होंगे, 85 प्लस यदि आपके परसेंटेज होंगे। तो यदि आपने फॉर्म भरा हुआ है और आपके 85 प्लस परसेंटेज हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका नाम जो है लिस्ट में जरूर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक और चीज की आवश्यकता होगी जो कि है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जब आप फॉर्म भर रहे हैं, यदि अभी आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो जब आपका नाम आएगा तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय पर भी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये देखिए जीडीएस का जो प्रोफाइल था, जो इसका वैकेंसी आई हुई थी उसके बारे में, झारखंड है, नॉर्थ ईस्टर्न है, पंजाब है, यहां से बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं, बीपीएम का फॉर्म भर रहे हैं, एबीपीएम का फॉर्म भर रहे हैं। तो आप सभी यदि 85 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यदि अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो सर्टिफिकेट आपको कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूं। यहां पर हमारे चैनल है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र, जिसमें लगातार हम जीडीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हमने बनाए हैं। आपके जो भी डाउट है सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जीडीएस से रिलेटेड, उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जीडीएस में कंप्यूटर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कैसे होगा, सबसे ऊपर ही आपको वीडियो मिल रहा है यहाँ पर, जीडीएस कंप्यूटर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन लेटर। और भी अगर लेटेस्ट वीडियोस की अगर हम बात करें तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जीडीएस रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं। जीडीएस है, यहाँ पर एक है ऐसे करके, ये एमपी जीडीएस का लाइव था, रिजल्ट आया था जिस दिन, यहाँ पर जीडीएस से रिलेटेड है। तो बहुत सारी वीडियोस जीडीएस से रिलेटेड आपको इस चैनल के अंतर्गत मिल जाएंगे। जो भी लेटेस्ट वीडियो है एक बार जरूर जाके देखें ताकि आपको वेरिफिकेशन और बाकी सभी चीजों से रिलेटेड जानकारी मिल जाए। ठीक है, अभी तक हमारी संस्था के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने सर्टिफिकेट लिया हुआ है और ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार जुड़ रहे हैं। मार्च से लेकर अभी तक में बहुत सारे स्टूडेंट ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है और संस्था के माध्यम से सर्टिफिकेट लिया, जिसमें से बहुत सारे लोगों का क्या है, वेरिफिकेशन भी हो चुका है, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी हो गया है। और इस प्रकार से आप आसानी से इसको जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है सिंपली ऐप, माय कंप्यूटर कोर्स ऐप है, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस ऐप के माध्यम से आप आसानी से अपना 60 डेज का कोर्स एक्टिवेट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट आपको 24 घंटे के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली कोर्स को एक्टिवेट करने के बाद एक टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। क्या प्रोसेस होगी, ऐप डाउनलोड कीजिए, टीम आपकी मदद करेगी कैसे आपको कोर्स को एक्टिवेट करना है। यदि अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ऐप को डाउनलोड करें। और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है जीडीएस के लिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, कि आपका नाम लिस्ट में जरूर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।